इस वक्त की बड़ी खबर, मनसे के प्रवीण भोयर जो पूर्व नगर सेवक थे, उन्होंने अब मनसे को राम राम कहने का मन बना लिया है। उन्होंने पूरी तरह एक पत्र जारी करते हुए राजीनामा अपने पद से दे दिया है। इसी के साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अपने पद पर समय नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से वो मनसे को राम राम कह रहे हैं। क्योंकि महानगर पालिका के चुनाव नज़दीक हैं और इस प्रकार से मनसे से पूर्व नगर सेवक का इस प्रकार से राम राम कहना कहीं ना कहीं बड़ा झटका है। वसई विरार के आने वाले समय में महानगर पालिका के चुनाव में मनसे के लिए बड़ा झटका है। अविनाश यादव जो कि पालघर और थाने जिले के प्रमुख हैं, उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके पास यानी प्रवीण भोईर के पास समय का अभाव होने के चलते वे पद पर काम नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन वो मनसैनिक के रूप में काम करेंगे। लेकिन जब हमने बातचीत प्रवीण भोईर से की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजीनामा दे दिया है और अगले दलों की तरफ, जब हमने प्रश्न किया कि आप अगले दलों की तरफ क्या नज़र डाल रहे हैं या वहां जाने की उम्मीद है, तो उन्होंने कहा इस पर अभी विचार चल रहा है, ऐसा कोई निर्णय लिया नहीं गया। यानी कि साफ संकेत है कि प्रवीण भोईर अब मनसे से आहत हो चुके हैं। कहीं ना कहीं उन्हें इस क्षेत्रीय स्तर पर वो सम्मान जिस तरह से मिलना चाहिए शायद उनकी कमी नज़र आई, जिसकी वजह से अब वो राम राम कहने की पूरे रास्ते पर चलने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। देखना यह होगा कि आने वाले समय में महानगर पालिका के चुनाव के पहले प्रवीण भोईर का अगला कदम क्या होगा। सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं प्रवीण भोईर भारतीय जनता पार्टी या बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ भी जाने की उम्मीदें हैं, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है। प्रवीण भोईर कब इस पर खुलासा देंगे, क्या कारण है जिसके वजह से सही ढंग से उन्होंने इस्तीफा दिया, इसका जो सच है वो सामने कब आएगा, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि मनसे को बड़ा झटका लगा है।